हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्री एजुकेशन ओडिया यूट्यूब चैनल को आपण मानक समस्त स्वागत। तेब आज वीडियो रे मु आपनको जणैदेबि केउ भली भाबरे केउ यूनिवर्सिटी भितरे केतोटी लेखाए सीट रही छे एवं को को सब्जेक्ट रे केते केते सीट बा एडमिशन कैपेसिटी अछि। तो सेथि पई वीडियो टी को प्रथम रु शेष जाए देखु। चैनल जदि नुआ करी विजिट करते चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखर थिबा बेल आइकन टी अल सेट कर दे था यह सब नोटिफिकेशन पाइबा पई। तेब देख सर्वप्रथमे पिलामाने मु जेतिके भी अपडेट दोउची ता बाद बहुत सारा प्रश्न रहुचे, बहुत सारा क्वेश्चन रहुचे जहाँ कि कमेंट बॉक्स माध्यम आसुचे। तो मु भाबीची तो यही सेपरेट क्वेश्चन आंसर पे वीडियो करिबा अपेक्षा प्रतिटि वीडियो रे जे कोनो से अपडेट वीडियो रे शेष रे मु किछि किछि बछा बछा चयनित होइथिबा प्रश्न गुडी कर उत्तर मु दे देबे। सेति पई पिला माने मु रिक्वेस्ट करिबे एबे थारु जो माने भी वीडियो देखु चंदी बा देखिबा नाहांती तांकु पठे दियो, रिकमेंडेड कर कि से माने जे कोनो से भी इन्फॉर्मेशन वीडियो मु छाडु छी तार शेष जाय देखंतु एवं जहा फल रे किछि किछि आंसर पाइ जेबे। तबे बहुत सारा पिलांकर प्रश्न आसीला कि आमे केमिति कौन जानिबू को यूनिवर्सिटी रे केते केते सीट्स अच्छे। तो देखो समस्ते चाहती टिके सुविधा, तो से सुविधा पाई मुझे पर्टिकुलर किसी विषय तापर बतईदेवी किपर कौन आपने देखिपर ता सहित भी मेथड भी बतईबे आप निज फोन में चाहिए जिते ना से देखिपारे और आपण यही मेथडटी जाणी आपड़ जनक द्वारा जब उपकृत होते निहाती से उपकृतर उपकृतता बदल निहाती मौलिक दृष्टि साहाज्य परायण हेबे जोटा कि अन्य मात्रा रे अन्य पक्ष रे विचार कले एहा एक विशाल सुदृढ़ भित्तिभूमि सृष्टि करिवो सहायर मनोवृत्ति पई। तबे देखो तो सी तो छाड़ टेक्निकल कथा, तो एबे आमे से बेसिक जिनस जोटा होछि देखि पारथु साम्स वेबसाइट रे अच्छी तुम पीजी वेबसाइट रे। तो एठारे देख सब डिटेल्स तुम पिले अवेलेबल अच्छे टिके परिश्रम करके साइट रे खोजी दबो ना तो मिल जाव। तो तथापि मु तुमको जणई दउछे तेब देख लेखाई तुम दुईटी कैपेसिटी अच्छी, गोटे अच्छे कॉलेज वाइज इनटेक कैपेसिटी, गोटे यूनिवर्सिटी वाइज इनटेक कैपेसिटी। अर्थात आपणकर जो कॉलेजेस रही डिग्री कॉलेजेस एंड ऑटोनॉमस कॉलेजेस, तेब ये दुई प्रकार कॉलेज वाइज इनटेक कैपेसिटी कौन को विद्यालय महाविद्यालय तुम कतोटी सीट लेखा रही डिग्री महाविद्यालय हो ऑटोनॉमस स्वयंशासित महाविद्यालय को विषय में कतोटी कतोटी सीट अच्छी ताधरण सीट एवं सहित विश्व विद्यालय स्तर में कतोटी विषय में कतोटी कतोटी सीट रही है तामें स्पष्ट भाव में देख उल्लेखित हो मेनसन कराई जोटा कि दुईट कैटेगोरी गोटे हूँ कॉलेज वाइज इनटेक कैपेसिटी आ गोटे हूँ यूनिवर्सिटी वाइज इनटेक कैपेसिटी। तेज पिला माने ये जो इनटेक कैपेसिटी बा सीट्स रिजर्वेशन दुईट मेथड अच्छे दुईट तार विभाग अच्छे केमी ना गोटे हूँ रेगुलर सीट गोटे हूँ सेल्फ फाइनेंस सीट। तेब रेगुलर सीट पिले कौन ना रेगुलर सीट कहले जो सीट टी जो सीट माध्यम आपण मैंने एडमिशन करुँचा गवर्नमेंट सीट अटे। अर्थात गवर्नमेंट सीट मैंने फास्ट कथा आपणकर सेव मनी अर्थात पैसा बहुत कम खर्च हम कि पैसा बचीब। द्वितीय कथा आपण मैंने कौन ना रेगुलरली रहिबे बा स्कॉलरशिप पाइपरिबे है ता सहित कौन हो ना आपण जदि रेगुलर करपर बेनिफिट्स हॉस्टल फैसिलिटी हो स्कॉलरशिप रिलेटेड हो जहाँ भी फैसिलिटी आपन को गवर्नमेंट बहुत सुविधा सहयोग एवं बहुत इजिली प्रोवाइड करा जिवो। तापर आस पिला माने सेल्फ फाइनेंस, तबे सेल्फ फाइनेंस कौन सेल्फ फाइनेंस हो अर्थात निजे निजर पढ़ा खर्च को मेंटेन करिवार कैपेसिटी रखुथिबे। तो से पिला माने बा सेई सीट गुड़िकर कौन हुए ना सेल्फ फाइनेंस सीट गुड़िक जेहेतु गवर्नमेंट सीट न थाए तो गवर्नमेंट देख सेल्फ फाइनेंस रेगुलर सीट कह जो सीट टीर किटा अंश पढ़ा बाबद को गवर्नमेंट उठे था गवर्नमेंट उठे था कहते रेगुलर सीट आउ किसी थाए जोटा हूँ सेल्फ फाइनेंस सीट बा एसएफ लिखाई थे देखिए सीट साइड रे तो मैंने सेल्फ फाइनेंस अर्थात से गवर्नमेंट किसी भी से सीट बा से सब्जेक्ट से जो विषय रही सीट गुड़िक से सीट गुड़िकर खर्च गवर्नमेंट बहन करेने आपण मैंने निजे ही मेंटेन करा पड़ता है तार जितकी भी कॉस्ट थाए से ट्यूशन फीस बाबद को आपंकर टोटल कोर्स बाबद को तो से फीटा आपण निजे ही प्रदान करते। तो दुईटा कैटेगोरी तेज पे बुझीपार समस्ते सीट हूँ दुईटा कैटेगोरी गोटे हूँ रेगुलर आउ बेसिकली मुझे कहबी पिलाने जेहेतु देख आम पिलाने बेसिकली मैंने मिडिल क्लास अच्छा एंड लोअर मुझे कहे बैचान्स क्या हाँ किसी पिला रिच अच्छा अपर क्लास अच्छा तो मिडिल आ लोअर क्लास पिला जेहेतु
ଆମର ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଏକ ଜରୁରୀ ମାଧ୍ୟମ। ତ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରୁ ମୁଁ କହିବି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ରେଗୁଲାର ସିଟ୍ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବ। ଧନ୍ୟ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର 35 ମାର୍କରୁ ସାର୍ କମ୍ ଅଛି, ମୋର ହେଉନି, 50 ମାର୍କ ହେଉଛି, କେଉଁଠି ମିଳିବ ନ ମିଳିବ। ତେବେ ମୁଁ ଏଠି କହିଦେବି ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉଛି, ଯେତେ କମ୍ ମାର୍କ ଅଛି ତୁମେ ପାଇବ, ହେଲା, ଶେଷ ଯାଏଁ ଲାଗିଲେ ତୁମେ ପାଇବ, ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବ, ଏଇଟା 101% ସିଓର। ତ ଯେଉଁ ପାଇବ ତା ବୋଲି ନୁହେଁ ଯେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସ ସିଟ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବ, ହେଲା। ତୁମେ ଆଗ ଦେଖିବ ମାର୍କ କମ୍ ଥିଲେ କେଉଁଠି ସିଟ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମ କଥା, ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ହଉ ଅଟୋନମସ୍ ହଉ, ଏବଂ ଡିଗ୍ରୀ ଅଟୋନମସ୍ରେ ଯେଉଁଠି ସିଟ୍ ଅଛି ତାହା ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସ ନା ରେଗୁଲାର। ଯଦି ରେଗୁଲାର ଅଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ସେଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବ। ଯଦି ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ, ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସ ରହିଲେ ଦେଖ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସ ବାଲେ ବି ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କଥା ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସରେ ଟିକେ ଅଧିକ ପଇସା ପଡ଼ିବ। ଧନ୍ୟ ତୁମେ ରେଗୁଲାରରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆଉ ଯେଉଁଠି କରିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଠି ଆର୍ ଥିବ, ମାନେ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସ ନଥିବ, ସେଠି ତୁମକୁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ କିଛି ପଡ଼ିବ, ମାନେ କିଛି ପଡ଼ିବନି ଫ୍ରି, ହେଲା, ଓଲ୍ଡି ତୁମେ ପଇସା ପାଇବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ। ଯେଉଁଠି ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସ ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବ ଯାହା ହେଲେ ବି ପର୍ ସେମିଷ୍ଟର 10,000 ନଚେତ 20,000, ମୋତେ ଏମିତି ବି ଅଛି ସମ୍ରାଟ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ବରହମପୁରରେ ତ 80,000 ନିଅନ୍ତି ପର୍ ଇୟର୍, ମୁଁ ଶୁଣିଛି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ନୋଟିସ୍ କଲିଣି 80,000 ନିଅନ୍ତି ପର୍ ଇୟର୍। ତ ସେଇଟା ପର୍ ଇୟର୍ ନା ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ କୋର୍ସ ପାଇଁ 80,000 ନେବେ, ହେଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ 40, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ 40। ତ ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ରେଗୁଲାର ସିଟ୍ ରହୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବ। ଏଇଟା କେବଳ ଓଡ଼ିଆମାନେ ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ଅଦର ସବଜେକ୍ଟ ଦେଖୁଛ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଇନଫର୍ମେସନ୍। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଦେଖିବ କେଉଁଟା ରେଗୁଲାର ସିଟ୍, ସେ ରେଗୁଲାର ସିଟ୍ରେ ଟ୍ରାଏ କରିବ ତୁମର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଯାଉ ବୋଲି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆସ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ୱେଜ୍ ଇନ୍ଟେକ୍ କାପାସିଟି। ତେବେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ କେତୋଟି କ'ଣ ସିଟ୍ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ କହିଦେବି, ଭଲ ଭଲ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏଇ ମେଥଡ଼ ଜାଣିଥିଲେ ନିହାତି ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ପାଇବା ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦେଖିପାରିବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଇୟର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ 2023-24 ମାର୍ଚ୍ଚ ବା ଗଲା ବର୍ଷ କଥା କହୁଛି। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଥାଏ ଉତ୍କଳ ପ୍ରତି, ଦୁର୍ବଳତା ଥାଏ ଉତ୍କଳ ପ୍ରତି, ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଆଗ ଛୁଉଁଛି। ଦେନ୍ ଆପଣ ଆସିବେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବାଣୀବିହାର। ଦେନ୍ କେଉଁ କୋର୍ସ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଧରିନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖିବି କ'ଣ ଆମର ଆର୍କିଓଲୋଜି, ତ ଆର୍କିଓଲୋଜି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଟୋଟାଲ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଦେଖ ପଳେଇ ଆସିଲା ତୁମର, ମୁଁ ଏବେଠି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଏଇଟା ବହୁତ କାମ କରିବ ପ୍ରକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଏଇ ମେଥଡ଼ଟି ଜାଣି ରଖିଥାଉ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେଭ୍ କରିଥାଉ। ଦେଖ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯାଉଛି, ଦେନ୍ କେଉଁ ବ୍ଲକ ବା ୟୁଏଲ୍ବି ଯାଉଛି, ହେଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏନ୍ସି, ଦେନ୍ ସାମ୍ସକୋଟ। ଏ ସାମ୍ସକୋଟଟି ପିଲା ମାଗେ, ବହୁତ ବାର ମାଗେ, ବହୁତ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆପ୍ଲାଏ କଲାବେଳେ ମାଗିବ, ତ ଏକୁ ନୋଟ୍ କରିଥିବ। ଦେନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି କୋର୍ସ କ'ଣ କ'ଣ ଅଫର୍ କରିଛି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କୋର୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆର୍କିଓଲୋଜିରେ ହେଉଛି 32 ସିଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ରେଗୁଲାର ସିଟ୍, ହେଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ତୁମକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ। ଦେନ୍ ହେଉଛି ଆନାଲିଟିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ତ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି 88, ହେଲା, 28 ସିଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ମଧ୍ୟ ରେଗୁଲାର ରହୁଛି, ମାନେ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସ ନୁହେଁ, ଅଧିକ ପଇସାବାଲା ନୁହେଁ। ଦେନ୍ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଆର୍ଟ୍ସର 26 ସିଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଟ୍, ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ସାଇନ୍ସର ମଧ୍ୟ 8 ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଟ୍, ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଜିଓଲୋଜି ହେଉଛି 28 ସିଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସିଟ୍, ଦେନ୍ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି 20 ସିଟ୍, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସ। ତେବେ 8 ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଏସ୍ଏଫ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସ ସିଟ୍ ମାନେ 20 ଜଣ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବେ ସେମାନେ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ପଢ଼ିବେ, ହେଲା, ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୋର୍ସ ଫିସ୍ ବାବଦକୁ ଯେତିକି ପଇସା ସବୁ ଥିଲା ତାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କମ୍ କରିବନି, ଓଲ୍ଟି ଚଢ଼େଇକି ନେବ, ହେଲା। ତ ଏଠି ଟିକେ ଦେଖିଥିବ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସ କେଉଁଠି ଅଛି, ରେଗୁଲାର କେଉଁଠି ଅଛି। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ତାପରେ ହେଉଛି ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଅଛି 8 ସିଟ୍, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ରେଗୁଲାର, ବଟାନୀରେ ଅଛି 32, ଯେଉଁଟା ବି ମଧ୍ୟ ରେଗୁଲାର, ଏଟା ସାଇନ୍ସର ସବୁ କହୁଛି, କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଛି 32, ଯେଉଁଟା ରେଗୁଲାର, କମର୍ସର ଅଛି 56, ଯାହା ରେଗୁଲାର, ଇଂଲିଶର ଅଛି 40, ଯାହା ମଧ୍ୟ ରେଗୁଲାର, ଏବଂ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ ସାଇନ୍ସ ବା ଇଏସ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାହା ହେଉଛି 20 ସିଟ୍, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସ। ସେହିଭଳି ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ ହେଉଛି 24 ସିଟ୍ ରେଗୁଲାର, ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ହେଉଛି 64 ସିଟ୍ ରେଗୁଲାର, ଏବଂ ଲ ବା ଏଲ୍ଏଲ୍ଏମ୍ରେ ହେଉଛି 30 ସିଟ୍, ତା ମଧ୍ୟ ରେଗୁଲାର। ସେଭଳି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସାଇନ୍ସରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଲାମାନେ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କେତେ ନା 24, ଯେଉଁଟାକି ରେଗୁଲାର, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ହେଉଛି 64 ରେଗୁଲାର, ଏଇଟା ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର, ଏମ୍ବିଏ ବା ବିଜନେସ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ରେ ହେଉଛି 32, ତାହା ମଧ୍ୟ ରେଗୁଲାର, ଏମ୍ସିଏ ବା ମାଷ୍ଟର୍ ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ 40 ସିଟ୍, ତାହା ମଧ୍ୟ ରେଗୁଲାର। ଓଡ଼ିଆ ସବଜେକ୍ଟରେ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଛି, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ତ ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଏବଂ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର, ତ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଥାଉ 64 ସିଟ୍, ଏବଂ ଏଇ 64 ସିଟ୍ ପିଲାମାନେ କୌଣସି ବି ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସ ନାହିଁ କି ଅଧିକ ପଇସା ବାଲା ନୁହେଁ, ଇଏ ସବୁତକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଟ୍, ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଟ୍ ମାନେ ଆପ୍ରୋକ୍ସ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ହେଲା, କାରଣ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲାମାନେ କେବଳ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସ ସିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେକୌଣସି ତୁମେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଢ଼ୁଛ ମନେ ରଖିଥିବ ସେଠି ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ପଢ଼ିବ ଓଡ଼ିଆ,
गवर्नमेंट नियम करिछन्ते जो बेठु स्वतंत्र भाषा हेला से बेठु नियम हेला ओडिया रे एमए करथा पिला मानको कोनसी फी दबा को पडिबो नाही एडमिशन फी वा रीएडमिशन फी दबा को पडिबो ता गवर्नमेंट मेंटेन करिवो जोटी सेल्फ फाइनान्स सीट थिबो त सेठी तमको दबा को पडिबो जति कि टंका सी कहिबे तमको दबा को पाइ बाध्य जोठी एमती रेगुलर सीट थिबो तमे ताको टंका बि दबा नै त ओडिया डिपार्टमेंट रे मको होछे केवल उत्कल युनिभर्सिटी रे मात्र 430 टंका था एडमिशन फी हेला रीएडमिशन किसी नए तब देख एडमिशन फी बाबद मुझे गोटे सेपरेट भिड कर पुराना भिडियो देखीपर ना तुम आउ गए नुआ करदेवि के कोर्स फिज रोचे हेला एवं जानवा आउ अदर कौन सब्जेक्ट उपर देख जमीक नेक्स्ट हूँ पीएमआईआर जोटा हूँ 32 सीट जोटा हूँ जेनराल सीट फिलोसफी 64 सीट जेनराल सीट बा गवर्नमेंट सीट फिजिक्स हूँ 32 सीट गवर्नमेंट सीट पॉलिटिकल साइंस हूँ 64 गवर्नमेंट सीट साइकोलॉजी हूँ 48 सीट गवर्नमेंट सीट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव हूँ 32 सीट ताकि गवर्नमेंट सीट से भाई देख सांस्क्रिट हूँ 64 सीट ता भी गवर्नमेंट सोशियोलॉजी भी 48 सीट गवर्नमेंट स्टाटिस्टिक 32 सीट गवर्नमेंट जूलोजी 32 सीट गवर्नमेंट तेरे ऑल ओवर कह ग उत्कल विश्वविद्यालय तुम तीस विषय भितर मात्र तेज देखी पार्थ पे जोटा कि 2022-23 कथा मुझे कहूँ गला वर्ष कौन है तुम मात्र दुईट सब्जेक्टर हूँ सेल्फ फाइनान्स सीट जो हूँ अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी देन हूँ एनवायरमेंटल साइंस हेला तेबे पिला माने एबे आमे जीबा रेभेन्सा यूनिवर्सिटी आने रेभेन्सा यूनिवर्सिटी देखिया तार केते कोण रहूची रेगुलर सीट एवं सीट मानकर संख्या केते कोण बढ़ी चढ़ के अच्छे तेबे एठी देखि परथु एठारे कटक सिलेक्ट कर दो डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट रे तमरो पढुची यूनिवर्सिटी गुडा ता चूज कर नबो पिला माने चूज कर देले मु देखि परथु देन देखो एठी आइला तेज देख पे मैंने कटक यूनिवर्सिटी पलिया रेभेन्सा यूनिवर्सिटी देखी पार कटक कटक एमसी साम्स कोड़े शो कला रेभेन्सा यूनिवर्सिटी कटक तेज देख एटी आप्लाइड जिओलोजी जिओलोजी षोहटी सीट रही है रेभेन्सा यूनिवर्सिटी जोटा रही रेगुलर सीट तेज देख मुझे रेगुलर कह जोटा देखिए जो सैड्रे सेल्फ फाइनान्स मैंने बुझीज सेल्फ फाइनान्स अधिक पैसा वाला सीट है तेरे माइक्रोबायोलोजी देखी पार्थ 16 सीट बोटानी देख 24 सीट केमिस्ट्री 40 कमर्स 64 इकोनोमिक्स 84 से ही देखी पार्थ्य एजुकेशन 40 इंग्लिश 80 सीट सबुठ अधिक ज्योग्राफी 32 हिंदी 32 हिस्ट्री 64 जर्नालीजम एंड मास कम्युनिकेशन 24 एमएससी कंप्यूटर साइंस 40 देन देख एमएससी इनफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट रे देखी पार्थ 32 जोटा हूँ सेल्फ फाइनान्स मैथमेटिक्स 48 एमबीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव 48 जोटा हूँ सेल्फ फाइनान्स एमसीए मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन 32 टी जहाँ भी सेल्फ फाइनान्स ओडिया देखी पार्थ 64 तेज रेभेन्सा विश्वविद्यालय ओडिया सामान उत्कल विश्वविद्यालय पर सीट अच्छी अर्थात 64 सीट अच्छी सेमती फिलोसफी देख 32 टी सीट अच्छी फिजिक्स 40 सीट पॉलिटिकल साइंस 64 सीट साइकोलॉजी 32 सीट रूरल डेवलपमेंट 24 सीट जोटा कि सेल्फ फाइनान्स रोचे सांस्क्रिट 32 सीट जो सोशियोलॉजी 32 सीट तापर देखी पार्थे पिला माने अमर स्टैटिस्टिक्स 16 सीट जूलोजी 24 सीट तबे टोटली कहिया को गलो रेभेन्सा विश्वविद्यालय 27 पाठ्यक्रम विषय रो बा सब्जेक्ट भितर तबे देखी पार्थे गोटे दुईटी तीनोटी चारोटी पांचोटी एवं छोटी विषय में तुम कौन अच्छे ना सेल्फ फाइनान्स सीट अच्छे गोटे हूँ बायोटेक्नोलॉजी जर्नालीजम एंड मैथ्स कम्युनिकेशन एमएससी इनफॉर्मेशनल इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट देन एमबीए देन एमसीए मास्टर ऑफ इन कंप्यूटर एप्लीकेशन देन रूरल डेवलपमेंट एवं यही जो विषय गुड़िक तुम रोचे रेभेन्सा विश्वविद्यालय सेल्फ फाइनान्स सीट तेज आम सेमती जा आउ गोटे विश्वविद्यालय देखा जोटा हूँ रमादेवी महिला विश्वविद्यालय देखी पार्थ एजुकेशन हूँ आमर 48 सीट इंग्लिश 32 जेंडर स्टडी 32 सीट हिंदी 48 सीट होम साइंस 32 सीट ता सहित देखु आमर इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलोजी 24 सीट जोटा हूँ सेल्फ फाइनान्स जर्नालीजम एंड मास कम्युनिकेशन 32 सीट लाइफ साइंस जोटा बोटानी अंडर जा लाइफ साइंस से 16 सीट
ता सहित लाइफ साइंस जूलोजी रे देखो अच्छी 16 सीट, एमएससी कंप्यूटर साइंस 32 सीट, एमबीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव 48 सीट, ओडिया रे होची 32 सीट, मन रख रमादेवी महिला विश्वविद्यालय रे ओडिया विषय रे अच्छी 32 सीट, जोटा होची रेगुलर सीट बा सेल्फ फाइनेंस सीट जमारो भी नुहे। एवं ता से देखो फिलोसफी रे 32, पॉलिटिकल साइंस रे 32, साइकोलॉजी रे 16 एवं सोशियोलॉजी रे 32, टोटली रमादेवी महिला विश्वविद्यालय रे 20 विषय भितर मात्र तुम्हारे गणितय केतरा होची ना सेल्फ फाइनेंस सीट होची मात्र गोटाए विषय जोटा हूँ इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी जोटा कि सेल्फ फाइनेंस सीट अंतर्गत। तो पे आम देखा 2024-25 तुम्हें जो यर्ष जो परीक्षा दे वर्ष सीट कौट इनक्रीज हो बढ़ी कि कमी तुम्हें निहत जाना दरकार। यहाँ तुम गला वर्ष पूर्व वर्ष देखी तेज गला चलित वर्ष देख देखिए पुणे उत्कल विश्वविद्यालय सीट बढ़ी ना सेम अच्छी देखे दूसरी पे देख उत्कल यूनिवर्सिटी यही चलित बर्ष देख पे सीट बहुत जगह बढ़ी है। देख आर्कियोलोजी हूँ 32 सीट कौन ना 32 सीट हूँ सेल्फ फाइनेंस सॉरी 32 सीट हूँ रेगुलर है कौन सी भी सेल्फ फाइनेंस सीट ना तब ये देख पे ये मेनसन करके नुआ अपडेट करदे पे बुझीपारे जीरो एसएफ मैंने टोटाली 32 सीट रु टोटाली देख लिखाई जीरो एसएफ अर्थात से सेल्फ फाइनेंस सीट ना अर्थात 32 अंक हूँ रेगुलर है रेगुलर मैंने कम पैसा वाला जो गवर्नमेंट सीट तेज देख ये बुझीपारे समस्ते ये गोटे एक्जामपल जो जीरो एसएफ लिखाई मैंने जानवे से कौन सी भी सेल्फ फाइनेंस सीट ना जितक अच्छे सब रेगुलर सेमती इकोनोमिक्स 88 सीट हूँ आंथ्रोपोलोजी 26 सीट आंथ्रोपोलोजी साइंस देख 8 सीट सेमती तुमर आप्लाइड जुओलोजी देख 28 सीट हूँ रेगुलर आप्लाइड माइक्रोबायोलोजी 20 सीट हूँ सेल्फ फाइनेंस रेगुलर सीट ना ये बायोटेक्नोलोजी देख 8 सीट रेगुलर बोटानी देख 32 सीट रेगुलर सेमती देख केमिस्ट्री पे देख 32 सीट हूँ रेगुलर कॉमर्स 56 सीट रेगुलर इंग्लिश देख 40 सीट रेगुलर बुझल तापर देख एनवायरमेंटल साइंस 20 सीट सेल्फ फाइनेंस ज्योग्राफी देख 24 सीट रेगुलर तापर देख हिंदी देख 24 सीट सेल्फ फाइनेंस अर्थात हिंदी एथर कार्ड होती हिस्ट्री देख 64 सीट रेगुलर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन देख 32 सीट सेल्फ फाइनेंस देन तापर देख लॉ देख सेल्फ फाइनेंस टोटाली ना 30 सीट रेगुलर लाइब्रेरी एंड इनफॉर्मेशन साइंस 24 सीट रेगुलर एमएससी कंप्यूटर साइंस 40 सीट सेल्फ फाइनेंस मैथमेटिक्स देख 64 सीट हूँ रेगुलर से भाई देख एमबीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव 32 सीट हूँ रेगुलर एमबीए फाइनेंशियल मैनेजमेंट देख 40 सीट हूँ सेल्फ फाइनेंस एमबीए रूरल मैनेजमेंट देख 24 सीट हूँ सेल्फ फाइनेंस आउ एमसीए मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन देख 40 सीट रेगुलर तापर एमपीएच जोटा मास्टर इन पब्लिक हेल्थ जोटा आड होती है देख 24 सीट सेल्फ फाइनेंस एमएसडब्ल्यू जोटा होची एटर 24 सीट सेल्फ फाइनेंस एवं ओडिया रे होची देख 64 सीट होची रेगुलर पर्सनल मैनेजमेंट आ पीएमआईआर जोटा ता होची 32 सीट रेगुलर ता सहित पिला माने देख एठी फिलोसोफी होची तुमर 64 सीट रेगुलर फिजिक्स 32 सीट रेगुलर पॉलिटिकल साइंस 64 सीट रेगुलर साइकोलॉजी 48 सीट रेगुलर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव 32 सीट रेगुलर संस्कृत 64 सीट रेगुलर सोशियोलॉजी देख 48 सीट हूँ रेगुलर स्टैटिस्टिक्स 32 सीट रेगुलर वुमेन स्टडीज 24 सीट हूँ सेल्फ फाइनेंस एवं ता सहित जुओलोजी हूँ 32 सीट रेगुलर टोटल देख पूर्व वर्षर केते थिला देख पूर्व वर्षर सीट संख्या और सब्जेक्ट संख्या कम थी बेले वर्ष चलित वर्ष तुम सीट और सब्जेक्ट उत्कल विश्वविद्यालय बढ़ी से भाव में आम देखिए ना कटक रेभेन्सा विश्वविद्यालय चलित वर्ष के केते कौन सीट रही है केतरा कौन सेल्फ फाइनेंस रेगुलर तेज देख पे चलित वर्ष 2024-25 रेभेन्सा विश्वविद्यालय सीट संख्या देखिपार्थ आप्लाइड जिओलोजी देख 16 हूँ रेगुलर सीट ता सहित बायोटेक्नोलोजी देख 16 सेल्फ फाइनेंस सीट बोटानी देख 24 रेगुलर सीट केमिस्ट्री देख 40 रेगुलर सीट ता सहित देख आमर कमर्स 64 रेगुलर इकोनोमिक्स 84 रेगुलर एजुकेशन 40 रेगुलर सीट इंग्लीश 80 रेगुलर सीट ज्योग्राफी 32 रेगुलर सीट सेमती देख हिंदी पिला माने 32 रेगुलर सीट
ता सहित हिस्ट्री रे 64 टी रेगुलर जनरल जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन रे 32 टी सेल्फ फाइनेंस सीट एमएससी कंप्यूटर साइंस रे 40 टी रेगुलर सीट एमएससी इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट रे होची 32 टी सेल्फ फाइनेंस सीट एवं मैथमेटिक्स रे देखो 48 टी रेगुलर सीट अछि सेमती एमबीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव रे देखि परथियो 48 टी सेल्फ फाइनेंस सीट अछि एमसीए मास्टर ऑफ इन कंप्यूटर साइंस 32 टी सेल्फ फाइनेंस सीट ओडिया रे पिला माने देखि परथियो इठो छि रेवेन्सा विश्वविद्यालय रे एई वर्ष अछि 64 टी रेगुलर सीट से भले देखो फिलोसोफी रे 32 टी रेगुलर सीट फिजिक्स रे 40 टी रेगुलर पॉलिटिकल साइंस रे 64 टी रेगुलर सीट सेमती साइकोलॉजी रे देखि पड़थबो पिला माने 32 टी रेगुलर रूरल डेवलपमेंट रे 24 टी सेल्फ फाइनेंस संस्कृत रे 32 टी रेगुलर सीट सोशियोलॉजी रे 32 टी रेगुलर स्टैटिस्टिक्स रे 16 टी रेगुलर जूलॉजी रे 24 टी रेगुलर सीट अछि जोटा के वर्तमान रेवेन्सा विश्वविद्यालय रे 2024 पई बा एई वर्ष एडमिशन पई एते की सीट तमरो रिजर्व हेगे अछि तबे पिला माने एई भले भाबरे तुमे मध्ये यूनिवर्सिटी वाइज इनटेक कैपेसिटी को आसी के निजे चेक करि परिबो केबे केते कोन सीट अछि यूनिवर्सिटी रे से भले भाबरे मु एठारे देखि दउ तुमको यही भाव तुम कलेज कर तेज देख से पुणी सेम पोजिशन को आसिक ये मारिदेव कलेज व्वज इनटेक कैपासीटी तुम्हें कौ डिस्ट्रिक्ट से जो कलेजा देखा चाहो ताको चूज करदे सेमती मानने दुई वर्ष डाटा तुम पाखक आभेलेबल हो गला वर्ष कौन सीट थी बर्तमान में कते कौन सीट अच्छे गोटे एक्जामपल तुमको देखे दूसरी देख इयर हूँ 2024-25 मुझे यही वर्ष देखे दूसरे डिस्ट्रिक्ट देख मुझे नर्माली मुझे नर्माल देख मानने ढेंकनाल जानिया तो कॉलेज देखो ये अच्छे ढेंकनाल लॉ कॉलेज आगे हूँ ढेंकनाल ऑटोनॉमस कॉलेज तो ढेंकनाल ऑटोनॉमस कॉलेज देखि पार्थ ये मुझे कोर्स शो करदेली ढेंकनाल ऑटोनॉमस कॉलेज देख साम्स कोड भी पलि आईला तेरे ये देख कौ कोर्स ऑफर करा रेगुलर की सेल्फ फाइनेंस बोटानी देख ये अच्छे 32 टी सीट रेगुलर केमिस्ट्री अच्छे 16 टी सीट रेगुलर कॉमर्स अच्छे 32 टी सीट रेगुलर इकोनॉमिक्स अच्छे 16 टी सीट रेगुलर इंग्लिश अच्छे 16 टी सीट रेगुलर हिस्ट्री अच्छी देखो 32 सीट रेगुलर एमएससी कंप्यूटर साइंस अच्छे 16 सीट सेल्फ फाइनेंस देन मैथमेटिक्स अच्छे 16 सीट रेगुलर ओडिया अच्छे 16 सीट रेगुलर ता सहित देख फिलोसोफी अच्छी 16 सीट रेगुलर फिजिक्स 16 सीट रेगुलर साइकोलॉजी 16 सीट रेगुलर तेज ढेंकनाल ऑटोनॉमस कॉलेज रे तुम टोटली 12 रही सब्जेक्ट और 12 सब्जेक्ट रु जापार कौटा कौटा सेल्फ फाइनेंस कौटा कौटा रेगुलर तेज पे यही भाव में तुम निजे मोबाइल फोन में यूनिवर्सिटी वाइज इनटेक कैपेसिटी कोको विश्वविद्यालय में केते सीट रही कोको विषय में ता जापर ता सहित कोको कॉलेज रे ऑटोनॉमस कॉलेज रे डिग्री कॉलेज रे केते सीट रही कोको विषय प्रति भितर के रेगुलर सीट बा केतरा गवर्नमेंट सीट और केतरा प्राइवेट सीट ताकू तुम्हें बहुत सिंपल से जापर तेरे आशा करी पे भिडियोटे तुम्हें किसी जापार बहुत सारा प्रश्न था तार किसी उत्तर मुझे प्रथम प्रश्न था कि भाई आम कौन करें अलरेडी अपलोड कर दे प्रथम कथा मुझे कह मैंने जो मैंने तुम पास बोली करलरेडी निज मार्क तो से सुजोग मिलूनी सांस दौनी से मार्क आउ थे अपडेट करने तो पाने जो मैंने अलरेडी तेल व्वेट कर आ कि दबा को पड़बन तेणुक तुम रेजल्ट डायरेक्ट सीधा आसव जो मैंने पास अप्लाई करके पास सिलेक्ट करके मार्क दे देने अपडेट करने को चेस्टा करना ए करना ही टोटली हेनी गला द्वितीय कथा कास्ट इनकम आउ रेसीडेंट हला कास्ट इनकम रेसीडे तीन टा जो कहले है तो ये तीन टाक जेहे ऑप्शन खोली तुम्हें एना नदे भी चलो केवल एडमिशन मिले दब गला एतक कहला रिजल्ट कथा पे कहते मुझे कहूँ अगस्ट फर्स्ट वीक सुधा तुम रिजल्ट डिक्लेयर होगा अगस्ट स्टेट वाइज प्रोफेशनल मेरिट लिस्ट आसो तापर से ही दिन ही तुमने कौन कर निजर कॉलेज सब प्रिफरेन्स दब है चॉइस लॉकिंग पलैस तबे पिलामने ए प्रश्न उत्तर सब पाईगला तो कहीं ओरीड होनी आउ दुई तीन दिन भितर मुझे लाइव आसवि पुणे तुमको जितकी सब सिलेक्टेड प्रश्न रेड कर रखि था पचारे मुझे उत्तर देवी आशा करी भिडियो भल लगी भिडियो भल लगी भिडियो को लाइक करदे सांग सहित जिते पार्चे से सेयार करदेव और जमार भी न भूल चैनल को सब्सक्राइब कर रखि थो तेबे देखा आ गए नुआ अपडेट सहित नुआ नुआ किसी इनफर्मेसन सहित से पर्यटन विदाय दिंतु रहुची जय जगन्नाथ वंदे उत्कल जननी।